हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग। तो दोपहर के बज रहे हैं 1:45। सारा खाना पीने का काम फिनिश हो चुका है। दिया को नहला के भेज दिया है मैंने मम्मी के पास, क्योंकि मुझको जाना है मार्केट। बगल में जो भाभी रहती है ना, उनको जाना था मार्केट, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ साथ में। रक्षाबंधन की कुछ शॉपिंग कर लाऊंगी, जैसे कि राखी खरीद के लेकर आऊंगी और कुछ भी जो भी पसंद आता है वो लेकर आऊंगी। कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगा ली है, जो कि मैं जब आ जाएंगी तभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अभी जो है मार्केट से जो भी लेकर आऊंगी वो अभी आने के बाद ही शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। राखी वगैरह सब ले आऊंगी मैं आज। रक्षाबंधन की शॉपिंग स्टार्ट हो गई मेरी आज से ही। दिया को लेकर नहीं जा रही हूँ, आपको पता है इतना सब कुछ चल रहा है तो भीड़ भाड़ वाली जगह मैं उसको लेकर नहीं जाऊंगी। अगर मम्मी भी मेरे साथ जाती तो फिर वही टेंशन रहती कि दिया को किसके पास छोड़ेंगे। मामा के पास वो ज़्यादा देर रुकती ही नहीं है, रुक जाती है लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुक पाती है। तो मैंने कहा मैं ही हो जाती हूँ, मम्मी को परेशान क्या करना है ना। धूप ऐसे भी हो रही है, मम्मी परेशान हो जाती हैं। तो चलते हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ। और आज मैंने ये वाला नया वाला टॉप पहना है, बहुत ही लाइट वेट सा टॉप है। धूप बहुत तेज़ है बाहर तो सही है, और साथ में ये ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है। तो चलो चलते हैं, भाभी के घर ही चलते हैं, वहीं जाके आगे से चलेंगे, ठीक है। चलो ताले वाले लगाते हैं। शैंकी ले गया था दिया को ना आके, शैंकी ले गया था, ताले लगा लूँ फिर मिलती हूँ। सो अंदर मैंने सारी लाइटें फ़ैन वगैरह सब ऑफ़ कर दिया, अच्छे से लॉक वगैरह लगा दिया अंदर भी। अभी बाहर लगा रही हूँ और बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है अकेले इस तरीके से कर रही हूँ, वरना दिया साथ में रहती थी, स्कूटी भी मेरे साथ में रहती थी। तो आज तो स्कूटी भी लेके नहीं जा रही हूँ, रिक्शे से जाएंगे क्योंकि हम चार जने हैं। अगर प्रीति और भाभी भी जा रही होती तो छः जने होते, बट कोई नहीं, अभी हम चार भी ना बहुत हैं, चारों मिलकर शॉपिंग कर लेंगे। और यहाँ पर मैं ना आ रही थी अपने एरिए से, तो बच्चों ने शूट कर लिया, और जैसे ही मतलब ये स्टार्ट की वीडियो, मुझे पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ गई। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी, मतलब मैं चलने लग गई कि ये रोक दे वीडियो, बस हो गया हो गया। क्योंकि मेरे को ना किसी के सामने वीडियो बनाने में बड़ी शर्म आती है, कोई क्या सोचेगा यही सोचती रहती हूँ। हालांकि मेरे इधर सबको पता है कि मैं इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ, छोटी छोटी क्लिप्स लेती हूँ, ऐड करती हूँ, बट फिर भी मेरे को ना बहुत झिझक सी महसूस होती है सबके सामने वीडियो वगैरह बनाने में। अधिकतर आपको मेरे घर के अंदर की वीडियोस वगैरह ही दिखेगी, और ये थोड़ी सी मैंने क्लिप जो है रास्ते की ऐड कर दी थी। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ साथ कौन कौन जा रहा है। तो ये जो है साइड में बैठा हुआ है नितिन, और मेरे बगल में बैठा है जतिन, और ये सामने जो है इन दोनों की मम्मी यानी कि भाभी बैठी हुई हैं। तो हम आज चारों शॉपिंग करेंगे और मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ना बाज़ार में बहुत भीड़ थी राखी की वजह से, आने ही वाली है राखी। देखो कई लोगों को बाहर भी जाना होता है, जैसे अपने भाइयों के घर, मायके वगैरह, तो वो लोग तो पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं फिर चले जाते हैं। तो बहुत भीड़ थी, मैंने फ़ोन बैग में रख लिया, उसके बाद मैंने निकाला ही नहीं, अपने बैग को भी संभाल संभाल के रखा ताकि चोरी वोरी ना हो जाए, ऐसी जगह पर चोरी का बहुत डर रहता है। फिर मैं आ गई मम्मी के घर पर, थोड़ी देर भाभी के घर पर बैठी थी मैं जतिन और क्या, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई क्योंकि ये मेरा बहुत देर से वेट कर रही थी। और दिया इस टाइम खाना खा रही है, मैंने दिया इसको आके, नानी से खाती ही नहीं है, नानी इसको बहुत फोर्स करती है, खाती ही नहीं है, बस दूध पिया था इसने, मम्मी बता रही थी। और मम्मी अभी ना नेहा से बात कर रही थी, नेहा की तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है, पता नहीं जब से मतलब ऐसा कुछ हुआ है इसके संग, तो बुखार और खांसी जुकाम इसको बहुत रहने लगा है, बार बार तो बुखार चढ़ जाता है। तो अभी 2-3 दिन पहले भी इसको बुखार हो गया था काफ़ी, और दवाई ले नहीं पाते, बस क्या करें, है ना। तो टेंशन सी हो जाती है मेरी मम्मी को भी, तो मम्मी बस वीडियो कॉल पे उससे बात कर रही हैं। दिया भी कर रही थी अभी, और मेरी हो गई थी नेहा से बाज़ार जाने से पहले बात, जब मैं अपने घर पे थी ना तब हो गई थी। तो मम्मी बस तैयार व्यार होकर बैठी हैं, साड़ी पहन के, जाना नहीं है कहीं, बस ऐसे ही पहन ली मम्मी ने ना। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, सबसे पहले तो मैंने देखो आपको जीन्स दिखा दी है, ये दूसरे नंबर पर मैं आपको राखी दिखा देती हूँ जो कि मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ। 2 राखी खरीद के लेकर आई हूँ, 2 मैंने यहीं से ले ली थी, पतले पतले से धागे भगवान जी को बांधने के लिए। ये जो राखी हैं, एक तो दिया बांधेगी, एक मैं बांधूंगी। ओ दिखे आपको अच्छे से दिखा दी, 2 ये राखी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइन थे वहाँ पे, लेकिन मेरे को यही वाला पसंद आया, मैं जैसी चाहती थी फिर भी मुझको वैसी नहीं मिली, बट ये भी बहुत अच्छी सी है। और आप लोग सोचोगे पतली नहीं है, थोड़ी सी बड़ी सी है, तो अच्छी लगती है यार बंधी हुई ना राखी, तो राखी होती है सुंदर लगती है, बड़ी बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले वो चलती थी ना गोल्डन कलर की बड़ी सी, बहुत बड़ी बड़ी चलती थी, मेरे को वो भी अच्छी लगती है, बट वो अब मिलती नहीं है।
और मेरे को तो अच्छी लगती है शैंकी को, पता नहीं बांधना इतनी बड़ी अच्छी लगे ना लगे। और मैं लेकर आई हूँ, बाद में दिखाऊंगी वो, एक डस्टबिन लेकर आई हूँ। बाहर वाले दोनों डस्टबिन जो है ख़राब हो रखे हैं, तो ये डस्टबिन लेकर आई हूँ मैं। इसको मैं अंदर ही रखूँगी, अंदर रखूँगी तो इसके लिए मैं पॉलीथीन भी लेकर आई हूँ इसमें लगाने के लिए हैंड टू हैंड। ये भी ले आई हूँ मैं ब्लैक कलर की, ये 60 रुपये का मिला है मुझको, इसके अंदर 50 हैं। और डस्टबिन जो है ये मुझको मिला है 110 रुपये का, प्लेन जो था वो था 100 रुपये का। तो मैंने कहा नहीं ये रूम में रखेंगे ना तो अच्छा लगेगा प्रिंटेड सा ना। पहले जब दीपक थे ना, दीपक के पापा जब थे, तब अंदर वाले कमरे में डस्टबिन रखा रहता था, वो उसी में कूड़ा डालते थे, और अगर नहीं रखा रहता था ना बहुत चिढ़ जाते थे। डस्टबिन चाहिए होता था उनको ना कमरे में। और एक ये लेकर आई हूँ दिया के लिए, इसके पास था ही नहीं है ना, इसको चाहिए था छापा, इसका टूट गया था, बारबी वाला था इसका, तो मैं वो लेकर नहीं आई हूँ। कार्टून प्रिंट का पहले था इसके पास, और अभी ये लेकर आई हूँ। ये प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था, दिया बहुत खुश है। अच्छा लगा आपको? अरे यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, ये देखो दिया बहुत खुश है। ये छोटी छोटी चीजों से बच्चा खुश हो जाता है मेरा। गाड़ी मांग रही थी दिया मुझसे, कहती है कार चाहिए मुझको छोटी वाली। कार तो है ही ना हमारे पास बड़ी, मम्मा अरे घर पे खड़ी तो है क्या? नानी के घर पे कार वो हमारी तो है, वो भी तो हमारी कार है। हॉलैंड सिटी है ये, सिटी इसमें सिटी लगी हुई है, पहले वाली में भी लगी तो हुई थी। रख दो जब बारिश होगी ना तब लगाएंगे है ना, अभी घर में लगाने का थोड़ा ना होता है ये, या फिर कभी हम पैदल चलेंगे ना धूप में तब लगा लेंगे। ओके। मैं अपना लगा लूंगी आप अपना लगा लेना, दोनों अलग अलग लगा लेंगे। बेटा पहले का एक बड़ा है तो हमारे शुरू से। अरे यार ये बंद क्यों नहीं हो रहा? मुझसे नहीं हो रहा था बंद थोड़ा सा। और डस्टबिन कहाँ रखोगी? ये देखो खेल मत बना देना इसका, टूट जाएगा ये। पहले वाला भी तुमने तोड़ा है, वो बाहर जो रखा हुआ है पता उस, एक तो धूप में भी प्लास्टिक खराब हो गया बाहर जो रखा हुआ, और वैसे भी बरसातों में भी ना खराब भी हो गया वो, और कुछ इसने तोड़ दिया ये। मम्मी हमें बारिश बहुत ही याद करती है। बस 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 चलो मैं खाना बना लेती हूँ, शाम के बजने वाले हैं 7:15। पानी की दिक्कत स्टिल बनी हुई है, मम्मी के घर पे भी नहीं आ रहा है। मम्मी के घर पे बना 24 घंटे पानी आता है, यहाँ पर तो फिर भी टाइम से आता है, 3 टाइम है पानी के, बट अब जो है मम्मी के घर पे भी टाइम से आ रहा है। तो क्या कहते हैं कर लेते हैं खाने की तैयारी। वैसे आज मैं बहुत ही सिंपल सा साबूदाना खिचड़ी बना रही हूँ, अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मैं कर लेती हूँ शूट। बाकी मैं थक गई आज, सच्ची बता रही हूँ बहुत थक गई हूँ मैं। ये जो जीन्स मैंने खरीदी है ना, मैं सोच रही हूँ ये मैं रखूँ ऑफिस वगैरह जाने के लिए ना, काम आएंगी मेरे पे 4 से 5 बल्कि ज़्यादा ही 5-6 जीन्स हो गई हैं। ब्लू ज़्यादा है, ब्लैक एक ही है, तो अब की मैं ब्लैक मंगाऊंगी, एक और ब्लैक मंगाऊंगी। इसमें भी ना डार्क ब्लू भी थी, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं लाइट लेती हूँ, लाइट मेरे पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है वो लाइनिंग वाली ना, तो मैंने इस वजह से ले ली, क्योंकि लाइनिंग वाली तो वो अलग ही है, वो चूड़ीदार सी है थोड़ी सी, ये जो है स्ट्रेट वाली है। बॉटम वाली चल रही है वो भी मुझको बहुत अच्छी लग रही थी, तो देखते हैं खरीदेंगे यार, जब मेरी फ्रेंड आ जाएगी ना, वो यूट्यूबर फ्रेंड जो आने वाली है, तब करेंगे शॉपिंग। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं खरीद रही हूँ, अभी नहीं खरीद रही मैं कुछ भी ज़्यादा ना, उसके संग भी जैसे घूमेंगे तो थोड़ा बहुत खरीदारी करेंगे, तो फिर अभी से कर लूँगी तो फिर पैसे खर्च हो जाएंगे, तभी करेंगे थोड़ा बहुत ना, इंजॉय करेंगे दोनों मिलके शॉपिंग करेंगे। दिया के लिए ज़्यादा करूँगी मैं, है ना। तो चलो किचन में चलते हैं, बनाते हैं साबूदाना खिचड़ी। बहुत देर पहले सोक कर दी थी मैंने, 1 बजे के करीब ना सोक कर दी थी, अब अच्छे से फूल गया होगा मेरा साबूदाना ना। बीच में मैं जब घर से आई थी ना, तो जब मतलब भाभी के घर से आके पहले अपने घर आई थी, सामान रखा था, तब मैं उसको एक बार और अच्छे से भिगो के जो गई थी, दोबारा से वॉश करके दोबारा से भिगो के चली गई थी,
तो साफ सुथरी हो चुकी है, बस छोंकना है। आलू काट लेती हूँ, टमाटर काट लेती हूँ, आलू के बिना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। चलो रेसिपी देख लो आप लोग। सो मैं आ चुकी हूँ किचन में और दिखा रही हूँ आपको। ये देखो साबुदाना मैंने अच्छे से सोख करके रखा हुआ था, अच्छे से फूल गया है ये। और कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है, पानी सूख चुका है कढ़ाई का। जब भी इस्तेमाल करती हूँ ना हमेशा धो के इस्तेमाल करती हूँ, धुली होती है फिर भी धो के इस्तेमाल करती हूँ हल्का सा पानी से। और अभी इसमें मैंने तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसके अंदर मैं डालूंगी सबसे पहले जीरा। देखो व्रत की तो बन नहीं रही, अगर मैं चाहूँ तो इसमें प्याज भी डाल सकती हूँ, बट आदत हुई है ना साबुदाना खिचड़ी व्रत वाली की, तो बस इसमें जीरा ही डालूंगी। और उसके बाद जो है इसमें मैं टमाटर डालूंगी, और जीरा भी खूब सारा डालूंगी। अच्छा लगता है टेस्ट ना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अभी मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है हरी वाली ना, वरना वो भी डालती इसमें अच्छी लगती। अभी नहीं लास्ट में डालती, अच्छी लगती। तो टमाटर मैंने दो बारीक बारीक छोटे छोटे से काट के रखे हुए थे, वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। और अभी मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी टमाटर को थोड़ा सा तेल में मिक्स करने के बाद। ये देखो सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है, फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डालूंगी, बहुत थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि दिया नहीं खाती है। फिर वैसे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो, बट वो भी मैं घर में रखती नहीं हूँ, मैं लेती ही नहीं सब्जी वाले से क्योंकि वो सड़ के जाती है, ख़राब होके जाती है, तो मैं लेती ही नहीं हूँ। और अभी इसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है, काली मिर्च तो दिया खा लेती है आराम से ना, ज़्यादा तीखा नहीं होता ना ये इस वजह से। और इनको सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने सोचा कि जब तक टमाटर मेरे गलेंगे साथ के साथ मैं आलू भी डाल देती हूँ, वो भी गल जाएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे ना। तो मैंने आलू भी जो है बारीक बारीक दो काट के रखे हुए थे वो इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। छोटा छोटा बारीक बारीक इसलिए डालती हूँ ताकि फटाफट से गल जाए, बड़ा आलू गलेगा भी नहीं और हर बाइट में आएगा भी नहीं। और ये छोटे छोटे जो आलू होते हैं वो हर बाइट में आ जाते हैं, बढ़िया लगते हैं मेरे को ना। तो इनको मैं ढक कर थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी, जैसी 4-5 मिनट हो जाएंगे बल्कि कम ही, इसको खोल के देखूंगी। तो ये देखो मेरे जो टमाटर हैं वो भी गल चुके हैं अच्छे से, और आलू हैं वो भी हो चुके हैं। आलू फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा ना करछी की सहायता से काट काट के देख रही थी तो गल गए थे ये। ये देखो मैं काट काट के देख रही हूँ, मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी इसलिए बार बार मैं काट काट के देख रही थी। तो आलू हमारे हो चुके हैं, अब इसमें हम साबुदाना ऐड करेंगे जो कि भिगो के रखा हुआ था ऑलरेडी। कई लोग तो जैसे रात को भिगो देते हैं सुबह बनाते हैं, लेकिन 4-5 घंटे भी अगर भिगो देते हैं तो इनफ होता है, बहुत ही कम पानी में भिगोना चाहिए। अदरवाइज़ आप इसको जैसे चावल भिगोते हैं वैसे भिगो दोगे तो ये कभी भी नहीं फूलेगा, कम पानी में ये बहुत आसानी से फूल जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने अपना साबुदाना डाल रखा हुआ था वो डाल दिया है, और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करके दिखा रही हूँ क्योंकि वाइट वाइट ना नज़र नहीं आ रहा था साबुदाना। तो इसको अच्छे से अब मैं मिक्स करूँगी पहले, तो फिर उसके बाद जो है मैं बताती हूँ कि ये किस तरीके से लगेगा कि पक चुका है, मतलब लगेगा क्या, मतलब किस तरीके से पकोर आपको पता चलेगा, पहचान क्या है इसकी। तो फर्स्ट तो मिक्स ही कर लूँ पहले ढंग से ना, अच्छे से मसाले जो हमारा बना हुआ है टमाटर का वो उसके साथ मिक्स कर देती हूँ। और आज मैंने शॉपिंग करी कितने दिन बाद, वो भी ये वाले मार्केट में जाके, खुद से जाके, ऑनलाइन तो बहुत कर ली लेकिन आज खुद से जाके ना बड़ा अच्छा लगा। नेहा के यहाँ भी करी थी लेकिन फिर भी अपने बाज़ार में शॉपिंग करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर ये देखो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी ये आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा साबुदाना, जब ये पक जाता है तो ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। तो जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा और भाप लगती रहेगी इसको तो ये और फूलेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन करते हैं। मैंने इसमें बहुत हल्का सा पानी ऐड करा है, वैसे करते नहीं है कई लोग लेकिन मैं करती हूँ, हमेशा करती हूँ, और हमेशा मेरा साबुदाना बहुत अच्छा खिला खिला बनता है। तो मैंने इसमें पानी ऐड करा था, और पानी ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे ही चलाया खुला, और अभी मैं इसको फिर से जो है थोड़ी देर ढक कर ना पका लूँगी। ढक कर पकाने से क्या है, ये भाप में भी थोड़ा सा खिल जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बस मैं आपको ढक ढक के रोक रोक के दिखा रही हूँ, आप ये मत सोचना अभी ढाका अभी खोल दिया तो ये आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखना स्टार्ट हो गया होगा। तो ये हमारा जो है हो चुका है, अभी जो थोड़ा सा ऊपर का रह रहा है इसको मैं नीचे कर दूंगी तो ये नीचे से भी हो जाएगा। अभी मैं चलाते चलाते पकाऊंगी क्योंकि बार बार पता नीचे लग बहुत रहा है ना, ये लगता ज़रूर है, ये हमेशा लगता ज़रूर है। अगर नॉन स्टिक में बना रही हो तो बात अलग है, लेकिन वैसे अगर बनाते हैं इसको हम इस तरीके की कढ़ाई में तो ये लगता ज़रूर है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है साबुदाना खिचड़ी। किस किस को पसंद है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे को तो बहुत पसंद है, बिना व्रत के मैं खा सकती हूँ। मैं रखती हूँ साबुदाना ना घर में, मैंने नेहा के आती खाई थी एक बार, बहुत अच्छी बनाई थी उसने, तो हरी मिर्च मूँगफली वगैरह डाल डाल के बनाई थी, बट मैं मूँगफली खाती नहीं हूँ, मुझको खास पसंद नहीं है तो मैं डालती नहीं हूँ, थी मेरे पास बट मैंने इसमें डाली नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने अपने साबुदाने को अच्छे से रगड़ रगड़ के घुमा घुमा के करछी की सहायता से पका लिया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट ये हो चुका है। और मैं कर लूँगी इसको ऐसे ही चलाते चलाते, तो साबुदाना हमारा तैयार है, साबुदाना खिचड़ी। आप लोग भी आके खा लीजिए, इसके वड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं आलू के साथ ना, पर वो थोड़े ऑयली हो जाते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा जो सामान मैं लेकर आई हूँ वो भी अच्छा लगा होगा। और बात तो मैंने बहुत बड़ी करी थी, राखी की शॉपिंग करने जा रही हूँ, बट थोड़ी सी शॉपिंग करी क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हो गई बाज़ार में जाके ना, मम्मी के बिना मुझे समझ में नहीं आता चीज़ें खरीदने का। बाय।